इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप का 29वां मैच और ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच होने वाला है इंडिया का और इंडिया के मैच में ग्रैंड लीग में पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका हमें मिलता है। अगर यहाँ पर हम ग्रैंड लीग की बढ़िया टीम बना दे तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा पैसा हम कमा पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम भी आपको दिखाने वाला हूँ, साथ में सबसे पहले मैं सारे प्लेयर बताऊंगा कि किस तरीके से मैं किस प्लेयर पे वेटेज देके ग्रैंड लीग की टीम बनाने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में होने वाला है अभी तक का सबसे बड़ा गिव अवे, यानी कि आप सभी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। गिवअवे का क्वेश्चन मैं वीडियो में आगे पूछूंगा, लेकिन गिवअवे जीतने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। बिल्कुल आपने सही सुना, आप 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए जीत पाओगे, कैसे वीडियो में आगे बताऊंगा। तो यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये मैच होने वाला है जो कि यहां पर खेला जाएगा लखनऊ में। लखनऊ के स्टेडियम का सभी खासियत जानते ही हैं कि किस तरीके का मैच है यहां पर, मतलब पिच रहती है, यहां पर जो मैच खेला जाता है वहां पर स्पिनर को एडवांटेज मिलता है, आप सभी ये बात जानते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर एक चीज हम नोटिस करें कि अगर इन दोनों टीमों का हम रिसेंट फॉर्म देखें, इससे हमें टीम बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। तो देखो रिसेंट फॉर्म यहां पर आप नोटिस करना, दोनों ही टीमों ने आमने सामने खेले हैं 7 मैच, ठीक है, ध्यान से देखना 7 मैच खेले, 7 में से जो यहां पर 4 मैच विन किए हैं वो किए हैं इंग्लैंड ने और यहां पर आपने देख सकते हो कि 3 मैच विन किए हैं इंडिया ने। अब काफी सारे लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि यार इंग्लैंड ने ज्यादा विन किए, इंडिया ने कम किए, नहीं ऐसा मत देखो, रिसेंट फॉर्म भी देख लेते हैं। चलो दो रिसेंट फॉर्म यहां पर इंडिया के देख सकते हो, तो इंडिया लगातार जीत रही है और काफी फ्लो में खेल रही है, यानी कि अभी सारे प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टीम के, ठीक है। और यहां पर अगर हम नोटिस करें इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड लगातार हार रही है अपने लास्ट के मैच, जबकि आप सभी जानते हो कि इंग्लैंड कितनी पावरफुल टीम है, कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर ये खेलने पे आ गई, जीतने पे आ गई, तो डेफिनेटली गेम चेंज कर सकती है। तो ये दोनों ही खतरनाक टीम है, आमने सामने खेलने वाली है। लेकिन अभी इंग्लैंड की हालत को ज्यादा सही नहीं दिख रही है, लेकिन इंडिया वाले बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। अगर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अपन एक प्लेयर लेते हैं विराट कोहली, आप सभी जानते होंगे कि विराट कोहली पे हर कोई यहां पर वेटेज देगा, इसमें ग्रैंड लीग के लिए सेफ चॉइस है। आपको पता है उसका कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन रेशियो कितना है, 40% के आसपास का मेंटेन है, 40% कोई कम नहीं होता, मतलब हर कोई कैप्टन बना के बैठा हुआ है विराट कोहली को। चीजें यहीं पर ही नहीं रुकेगी, अगर आप टीमों का कॉम्बिनेशन भी देखोगे तो यहां पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि यहां पर 6 से 7 प्लेयर आप सेलेक्ट करो इंडिया की टीम से, और वहीं पर आप 5 से 6 प्लेयर सेलेक्ट करो आप यहां पर, या फिर 5 से 4 प्लेयर आप सेलेक्ट करो इंग्लैंड की टीम से, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो जिससे आप अपने जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ा पाओगे। अब यहां पर क्या होगा कि हर प्लेयर फॉर्म के अंदर है, तो यहां पर कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हो कि जैसे कि रोहित शर्मा है, साथ में विराट कोहली है, ठीक है। तो जैसे ये ओपनर जितने भी है, जैसे रोहित शर्मा ओपनर है, तो ये सब अभी बहुत अच्छे खेलते हैं, बहुत अच्छे जमे हुए, तो उस केस में विकेट कीपर से क्या करेंगे, राहुल को यहां पर वेटेज लेंगे, ठीक है। तो लोकेश राहुल को यहां पर वेटेज देते तो हम चाहे उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि ग्रैंड लीग की एक टीम के अंदर उसको स्किप कर सकते हैं, क्यों, रीजन बताता हूं। अब देखो रोहित शर्मा अच्छा कर रहा है, विराट कोहली अगर अच्छा कर रहा है और इंग्लैंड की टीम यहां पर बैटिंग करती है, ठीक है, यहां पर पहले मैं ये क्या करूं, पहले टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम ने यहां पर बैटिंग ली मान लो, या किसी तरीके से इंडिया यहां पर पहले बॉलिंग कर रही है और इंग्लैंड की टीम यहां पर पहले बैटिंग कर रही है, तो उस केस में आप थोड़ा सा रिस्क लेके लोकेश राहुल को आप स्किप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर जो रन टारगेट होगा उसे इंडिया चेस करेगी और चेस के मामले में रोहित शर्मा विराट कोहली बहुत अच्छे हैं और भी काफी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अगर यहां पर विकेट्स नहीं गिरते तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली टीम बनाएंगे, और विकेट ज्यादा गिर जाते हैं तो उसके लिए एक सेफ साइड टीम भी हम बना लेंगे। तो यहां पर मैं कुल मिला के आपको लॉजिक देना चाहता हूं, यहां पर मैंने अभी तक आपको पुरानी वीडियोस में जितने भी लॉजिक दिए ना और जितना भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया वो एकदम सही निकला है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन लगातार मैं बताता रहता हूं और मैं अपनी जो टीमें होती है साथ में जो विनिंग प्रूफ होते हैं वो सभी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको फाइनल टीम मिलती है और टेलीग्राम के अंदर ही मैं बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस करना है। लेकिन अभी जो मेरी फाइनल टीम है मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, अगर कोई चेंजेस हुआ तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये चेंजेस कर रहा है, लेकिन लॉजिक समझो, क्योंकि यहां पर अगर आप एक से ज्यादा, मेरी जो टीम है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे टीम बनाने वाला हूं, मैं किस प्लेयर पे वेटेज देने वाला हूं, किस प्लेयर को स्किप करने वाला हूं, लेकिन साथ में मैं लॉजिक भी बता रहा हूं। तो इसके लिए आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, गिवअवे का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं बहुत जल्दी, ठीक है।
यहां पर बस आपको क्या करना है कि बहुत सिंपल कि जैसे स्किप कर सकते हो, जैसा भी मैंने लॉजिक बताया ठीक है, और टीमों का कॉम्बिनेशन भी बता दिया। अब यहां पर आपको करना है क्या है, देखो स्ट्रेटेजी अपनी बहुत सिंपल रहेगी। यहां पर जो हम एसएल खेलेंगे स्मॉल लीग के अंदर क्या करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस मैच के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैच काफी अच्छा है, यानी कि पैसे कमाए जा सकते हैं। तो एक टीम हम बनाएंगे स्मॉल लीग की, एक टीम यहां पर हम बनाएंगे हाई रिस्की टीम, और साथ में सिर्फ एक ग्रांड लीग की टीम बनाएंगे। अब आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, दो टीमें तो ये बना देना, इन तीन टीमों का कॉम्बिनेशन क्या, ये हमारी रहेगी एसएल, ये रहेगी सेव रिस्की सॉरी रिस्की जीएल, और ये रहेगी सेव जीएल ठीक है, यानी कि इस पे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अब जो सेव जीएल है इसके अंदर आपका जितना बजट हो, एक टीम बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, 18 टीमें बनाओ, 15 टीमें बनाओ, 20 टीमें बनाओ, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, या ये दोनों भी इधर ही लगा दो इस तरीके से ठीक है। और मेगा कॉन्टेस्ट के साथ में इसको हम ज्वाइन करेंगे मिनी कॉन्टेस्ट में भी ठीक है, मिनी कॉन्टेस्ट में भी ज्वाइन करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें निकालना है। अब यहां पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो देख लेते हैं इंडिया टीम के प्लेइंग 11। आप देख सकते हो इंडिया टीम की प्लेइंग 11 है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं इस प्लेइंग 11 के अंदर, और हर प्लेयर को हम डिटेल्स में समझते हैं कि किस प्लेयर पे वेटेज देना हमारे लिए एक समझदारी भरा डिसीजन होगा ठीक है। आ जाओ देखते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है रोहित शर्मा का ठीक है। रोहित शर्मा का सिलेक्शन रेशियो जो है यहां पर आप देख सकते हो 90% का है, कितना 90%, कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और सीधी सी बात है, रोहित शर्मा को यहां पर आप वेटेज दो के लास्ट मैच के पॉइंट्स देखो, 46 रन, 48 रन, 86, 131 रन, मतलब काफी अच्छा फॉर्म में ये प्लेयर है, जम गया तो बहुत अच्छा खेलेगा। तो रोहित शर्मा ग्रांड लीग के अंदर आप ज्यादा टीम्स बना रहे हो तो एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों के लिए बढ़िया ऑप्शन है। स्मॉल लीग के अंदर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन को प्रीफर नहीं करूंगा। स्मॉल लीग के लिए यहां पर आप क्या कर सकते हो कि देखो स्मॉल लीग का अगर आप टीम बना रहे हो तो उसके अंदर रोहित शर्मा को आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप जडेजा को बना दो, आपको लगता है जडेजा विकेट्स भी लेगा, डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा, तो यहां पर आपके लिए जडेजा भी काफी अच्छा ऑप्शन है एज ए वाइस कैप्टन के तौर पर। अगर आप जडेजा को वाइस कैप्टन के तौर पर नहीं बनाना चाहते और आपको लगता है कि ओपनर बहुत अच्छा चल जाएंगे, तो यहां पर रोहित शर्मा को एज ए वाइस कैप्टन आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कैप्टन के तौर पे तो विराट कोहली यहां पर है एज ए स्मॉल लीग के अंदर, ग्रांड लीग में भी बताने वाला हूं। तो यहां पर आप समझ चुके हो कि रोहित शर्मा या फिर जडेजा दोनों में से एक वाइस कैप्टन होगा। मेरा पर्सनली स्मॉल लीग के लिए यहां पर जडेजा वाइस कैप्टन रहने वाला है, लेकिन रोहित शर्मा मेरी टीम के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ड्रीम टीम का ये प्लेयर है, मतलब ये प्लेयर तो बहुत अच्छे रन बनाएगा ठीक है। देन यहां पर बात करें शुभमन गिल, तो शुभमन गिल पे आप रिस्क ले सकते हो। अब शुभमन गिल के साथ आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 6 टीमें बनाने वाले हो ठीक है, तो 6 टीमों में आप 3 टीमों के अंदर 6 टीमों में आप क्या करो, 3 के अंदर वेटेज दो और 3 के अंदर क्या करो आप स्किप कर दो सीधे से। बस सिंपल सा लॉजिक रखो कि यहां पर 6 टीमों में 3 टीमों के अंदर होगा हमारा शुभमन गिल और 3 टीमों के अंदर स्किप हम इसको कर देंगे, तो बहुत सिंपल सा यहां पर लॉजिक रहेगा शुभमन गिल के साथ, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की प्लेयर ये रहने वाला है। 78% का सिलेक्शन रेशियो है, स्मॉल लीग के अंदर वेटेज देंगे, लेकिन ग्रांड लीग के अंदर हम जैसे 6 टीम बना रहे हैं, 50-50 का रेशियो ग्रांड लीग के अंदर रखना है, आधा आधा कॉम्बिनेशन बनाना था, यही चीज यहां पर सही रहेगी शुभमन गिल के साथ में ठीक है। देन अगले प्लेयर की बात करें विराट कोहली, विराट कोहली के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन रेशियो 93% का है, कैप्टन के लिए सिलेक्शन रेशियो जो है मैंने चेक किया है 40% के आसपास का जा रहा है, यानी कि हर कोई बुलिश है, हर कोई ये यहां चाहता है कि विराट कोहली उसकी टीम का यहां पर कैप्टन हो ठीक है। तो यहां पर विराट कोहली के चलने नहीं चलने का सीधा सा रेशियो बताता हूं, सिर्फ ये एक मैच के अंदर जो भी मुझे ध्यान है पाकिस्तान के सामने हुआ था उसमें ही नहीं चल पाया था, बाकी उस समय दूसरे प्लेयर चल गए थे तो टीम अपनी विन कर गई थी, लेकिन बाकी के मैच में देखना 95 रन, 103 रन, 55 रन, 85 रन, 56 रन, 122 रन, मतलब परफॉर्मेंस तगड़ी है ठीक है। इसका एक ही मतलब निकलता है कि स्मॉल लीग के अंदर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते ठीक है। स्मॉल लीग के अंदर अगर विराट कोहली चल गया और आपने नहीं लिया तो सारा एक तरफा लॉस होगा, और विराट कोहली यहां पर फ्लॉप हो गया तो भी आपको एक तरफा लॉस नहीं होगा। अब क्या होगा, यहां पर विराट कोहली आपका ही नहीं आपके अपोनेंट की टीम के अंदर भी कैप्टन होगा स्मॉल लीग की टीम के अंदर, तो हम सेफ साइड जाना ज्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन के तौर पर मैंने अभी बताया कि स्मॉल लीग टीम के अंदर मैं जडेजा को ज्यादा प्रीफर करूंगा ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, स्मॉल लीग के अंदर आपको ऐसे कैप्टन के तौर पे सेलेक्ट करना है, ग्रैंड लीग के जैसे फॉर एग्जांपल 6 टीमें बना रहे हो तो 2 टीमों के अंदर विराट कोहली कैप्टन, 2 टीमों के अंदर वाइस कैप्टन, और 2 टीमों के अंदर इसको आप सेलेक्ट ही मत करना, मतलब टीम के अंदर रखना लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेलेक्ट मत करना, क्योंकि टीम के अंदर रखना इसलिए जरूरी है कि ऑल ओवर ड्रीम टीम का ये प्लेयर बनता है ठीक है। तो विराट कोहली को आप वेटेज दोगे। देन यहाँ पर बात करें श्रेयस अय्यर, तो श्रेयस अय्यर का जो सिलेक्शन रेशियो है वो है 16% के आसपास का। यहाँ पर अगर बात करूँ यहाँ पर रन की, तो यहाँ पर आप देखो मिनिमल अच्छे खास यहाँ पर रन आपको दिख ही नहीं रहे होंगे, एक एवरेज रन की परफॉर्मेंस है, तो इसका क्या मतलब होता है कि स्मॉल लीग के अंदर आपको क्या करना है, इस प्लेयर को स्किप करना है। स्मॉल लीग के अंदर मैं पर्सनली श्रेयस अय्यर को स्किप करूंगा, और वहीं पर अगर ग्रांड लीग की बात करूँ तो ग्रांड लीग के अंदर अगर 6 टीमें बना रहे हो तो एक टीम के अंदर वेटेज दे सकते हो, बाकी कोई मतलब नहीं, चाहो तो स्किप भी कर
सकते हो इस प्लेयर को, ठीक है। देन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्लेयर की बात करते हैं जो कि यहाँ पर हमारा होने वाला है राहुल, ठीक है, केएल राहुल। तो केएल राहुल की यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो सेलेक्शन रेशियो है जो 77% का है, कितना 77% का। अगर यहाँ पर आप रिसेंट फॉर्म देखो तो जब टीम को जरूरत होती है तब ये बहुत अच्छा भी खेलता है, 97 रन भी है, 58 रन भी है। तो यहाँ पर मैंने आपको सीनेरियो वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि राहुल के साथ में आपको क्या करना है। अब देखो राहुल के साथ में सीनेरियो कुछ ऐसा रहने वाला है कि यहाँ पर इंडिया की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो ये मेरी टीम के अंदर होगा, एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको अपनी टीम के अंदर हमें शामिल करना है, ठीक है। और वहीं पर अगर इस सेकंड इनिंग के अंदर इंडिया बैटिंग करती है तो इस प्लेयर को हम स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार रिस्क नहीं लेंगे ना तो ग्रैंड लीग कभी भी नहीं जीत पाएंगे। मैं पर्सनली यहां पर स्किप करूंगा और आप अपनी टीम के अंदर कॉम्बिनेशन देख लेना कि आप कैसा बनाना चाहते हो, बाकी मैंने अपनी प्रेडिक्शन आपको राहुल को लेकर बता दी है। देन यहां पर बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो देखो यार सूर्य कुमार यादव का सिलेक्शन रेशियो 6% का है, इस मैच के लिए भी हम सूर्य कुमार यादव को स्किप करेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों टीमों के अंदर ये मेरे नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे रविंद्र जडेजा, ठीक है। तो रविंद्र जडेजा के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो 87% का है। लास्ट मैच देखो 39 रन की पारी खेली थी, उससे पहले वाले में दो विकेट थे, यहाँ पर फ्लॉप हुआ, यहाँ पर 3 विकेट है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस क्या दिखा रहा है इसकी कि रन भी अच्छे बना सकता है, 39 रन कोई कम नहीं होते हैं, ड्रीम टीम का प्लेयर बन जाएगा, साथ में विकेट्स भी लेता है, तो इस मैच के लिए ये सिलेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। स्मॉल लीग के अंदर एज ए वाइस कैप्टन के तौर पर मैं जाने वाला हूँ, मतलब कि अपना जडेजा जो है एज ए मैं स्मॉल लीग के अंदर वाइस कैप्टन के साथ में जाऊंगा और ग्रैंड लीग के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस प्लेयर को मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। और अगर रिस्की टीम बना रहे हो तो रिस्की टीम के हिसाब से प्लेयर ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी के तौर पर एज ए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग टीम समझ लो कि मैं अपने स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम के अंदर किसको वेटेज दे रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है कि अपना जडेजा जो है मेरे कैप्टन जो होगा विराट कोहली हो जाएगा और जडेजा मेरा वाइस कैप्टन हो जाएगा एज ए स्मॉल लीग टीम के अंदर। ग्रैंड लीग टीम के अंदर अगर आप ज्यादा जैसे टीम बना रहे हो तो जैसे 6 टीम बना रहे हो तो 2 टीमों के अंदर एज ए वाइस कैप्टन के तौर पे आप इसको वेटेज दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करें मोहम्मद शामी की, तो यहाँ पर इस बहुत सिंपल सा है, सिलेक्शन रेशियो देखो 75% का है। लास्ट मैच में 5 विकेट, इससे पहले 1 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, यहाँ पे कोई विकेट नहीं, यहाँ पे 2 विकेट। ऑल ओवर लास्ट के मैचेस में इसने बहुत अच्छे विकेट लिए हैं, तो यानी कि SL प्लस GL दोनों के अंदर वेटेज देना, दोनों के अंदर बहुत अच्छा है आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है। अगर T20 के मैचेस होते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है मैं कैप्टन वाइस कैप्टन को भी प्रीफर करता, लेकिन यहाँ पर ODI के मैचेस है जिसकी वजह से मैंने जडेजा को ज्यादा प्रीफर देना पसंद किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों के अंदर शामिल करना है क्योंकि ड्रीम टीम का प्लेयर ये बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी 3 बॉलर की जो सबसे खास रहने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो कुलदीप, ठीक है, कुलदीप की यहाँ पर हम बात करें तो देखो सिलेक्शन रेशियो जो है वो 62% का है, 1 से 2 विकेट हर मैच के अंदर ले रहा है। साथ में यहाँ पर देखो जसप्रीत बुमराह, यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो 86% का, हर लास्ट के मैचेस अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 से 2 विकेट ले ही रहा है, किसी किसी मैच में 4 विकेट भी लिए हैं, ठीक है। और साथ में एक आखिरी प्लेयर और हमारा जो कि यहाँ पर हमारा है मोहम्मद सिराज, ठीक है। मोहम्मद सिराज की बात करूँ तो इसका सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है, 37% का है यहाँ पर, और हर मैच के अंदर नोटिस करो 1, 2, 2 और यहाँ पर तो 1 भी विकेट नहीं था, यानी 1 से 2 विकेट लास्ट के मैचेस में इसने लिए हैं, तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करना है। अब देखो प्लेयर सिलेक्शन देखो, आप अगर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो स्मॉल लीग के लिए आपको कुलदीप के साथ में जसप्रीत बुमराह को वेटेज देना है, ठीक है। अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो ग्रैंड लीग के अंदर आपको क्या करना है कि जसप्रीत बुमराह तो आप रखो कि अपनी टीम के अंदर, ठीक है, ये तो फाइनल है। इसी के साथ में एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 टीमों का स्मॉल लीग का मैंने आपको आइडिया दे दिया, स्मॉल लीग का यहाँ पर कुलदीप और जसप्रीत बुमराह रहेगा। ग्रैंड लीग के लिए 3 टीमों का आइडिया देता हूँ, देखो एक के अंदर क्या करोगे, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप और साथ में सिराज, तीनों को आप वेटेज दोगे एक, और बाकी की 2 टीमों में जसप्रीत बुमराह के साथ एक टीम में कुलदीप, दूसरी टीम में एक जसप्रीत बुमराह के साथ में सिराज, इस तरीके का कॉम्बिनेशन रखना। बाकी स्मॉल लीग के अंदर क्या करना है मैंने बता दिया, ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लैंड टीम की, इसके बाद मैं आपको सेफ और रिस्की और ट्रंप प्लेयर बता दूंगा, देन यहाँ पर मेरी टीम को भी एक्सप्लेन कर देंगे कि मैं अपनी टीम कैसे बनाने वाला हूँ। साथ में उस टाइम पे मैं आपको पूछ भी लूंगा कि आज का गिवे का क्वेश्चन क्या है, जो कि वीडियो में आगे पूछने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो, तो वो किस तरीके से, देखो यहाँ पर माई 11 सर्कल आप सभी के लिए एक ऑफर लाया है जिसके अंदर
आपको यहाँ पर लिंक दे रखा है, कहाँ पर मैंने कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है माइलन सर्कल का डाउनलोड लिंक, वहां से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के एक घंटे के अंदर जो मेगा कॉन्टेस्ट है वो आप सभी को दिखेगी सिर्फ ₹1 के अंदर, उसको यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। जो मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर प्राइज है वो पहला प्राइज है ₹1 करोड़ का, क्योंकि इंडिया का मैच है, यहाँ पर आप ₹1 करोड़ जीत सकते हो ₹1 में, यहाँ का पहला प्राइज जो है वो ₹1 का है। साथ में यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है और यहाँ पर जो प्राइस पूल है वो बहुत बड़ा है, और साथ में ढेर सारे प्राइजेस भी मिलते हैं आपको, थार एक्सयूवी ₹1 करोड़ जो कि इस मैच में भी है, ऑडी कार वगैरह बहुत सारे ऑफर होते हैं और ₹1 करोड़ तो इस मैच में भी है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर दोगे और अपना पहला डिपॉजिट करोगे तो वहां पर हमारा Win20 कूपन कोड आप यूज करने पर आपको मिलेगा 20% का रियल एक्स्ट्रा कैश, साथ में आपको मिलेगा ₹1500 का कैश बोनस। तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐप को डाउनलोड करके ₹1 के अंदर अपने ये मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पर अब बात करते हैं हमारे इंग्लैंड टीम के प्लेइंग 11 के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे इंग्लैंड टीम के प्लेइंग 11 है। अब इस हर एक प्लेयर को एकदम डिटेल्स में समझते हैं कि किस प्लेयर को सेलेक्ट करना है, किस प्लेयर को यहाँ पर स्किप करना है। तो अब यहाँ पे हर प्लेयर को डिटेल्स में समझते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लेयर की बात करें तो सबसे पहला है डेविड मलान, ठीक है। तो डेविड मलान की यहाँ पर मैं बात करूँ सिलेक्शन रेशियो है 53% का। अगर लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की यहाँ पर हम बात करें तो ध्यान से देखो 28 रन, 6 रन, 32 रन, एक मैच के अंदर 140 रन भी दिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट के मैचेस देखो यार ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे इंग्लैंड वाले, और हो सकता है इंडिया वाले बहुत हो तो क्या सकता है, डेफिनेटली इंडिया वाले बहुत अच्छा करेंगे और ये मैच इंडिया वाले विन करेंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमें अगर प्लेयर सेलेक्ट करने हो तो बड़ी समझदारी से प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने, क्योंकि हम अपनी मेहनत की कमाई इस मैच के अंदर लगाने वाले हैं। तो अगर मेहनत की कमाई लगाने वाले हैं तो सोच समझ के लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें सिलेक्शन रेशियो की, ठीक है, तो वो सिर्फ 53% का, यानी कि 50-50 रेशियो जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्लेयर को आप क्या करोगे, देखो मेरी स्मॉल लीग के टीम के अंदर ये प्लेयर नहीं होगा, ठीक है। और ग्रैंड लीग की अगर आप रिस्की टीम बना रहे हो, ठीक है, आप बहुत रिस्की टीम बना रहे हो, तो एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर आप वेटेज दे सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने स्मॉल लीग का मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन बता दिया है, लेकिन अगर आप हाई रिस्की टीम बना रहे हो, क्योंकि इस मैच के अंदर मान लो कि आपका मूड बन गया कि मेरे को तो 20 टीमें बनानी है क्योंकि इंडिया का मैच है और बहुत पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है, तो क्यों नहीं रिस्क ले लें, तो 20 टीमें यहां पर हम लगाने वाले हैं, तो 20 टीमें लगाने वाले हैं, तो आपकी 3 से 4 टीमें 20 में से बहुत हाई रिस्क की होनी चाहिए। सेम टीमें बना के क्या करोगे, सभी के सभी टीमों के अंदर सेम कैप्टन वाइस कैप्टन बना के क्या ही कर लोगे, टीम के अंदर रिस्क नहीं लोगे तो ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे, उसके लिए आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्लेयर को एज अ वाइस कैप्टन बना दिया कि यार ये प्लेयर बढ़िया लग रहा है, ये प्लेयर बढ़िया लग रहा है, इन दोनों को वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन बना देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होगी। आपको कैप्टन वाइस कैप्टन सिर्फ उन्हीं प्लेयर पे वेटेज देना है जिनके अंदर दम हो कि भाई हाँ ये प्लेयर कुछ कर सकता है और इस प्लेयर में एक्चुअल में दम है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से प्लेयर है जिसके ऊपर रिस्क लोगे जब आप एक से ज्यादा टीमें बनाओगे, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले डेविड की बात करेंगे जो कि यहाँ पर एज अ वाइस कैप्टन के लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। स्मॉल लीग के अंदर वेटेज में देना, ग्रैंड लीग की ज्यादा टीम्स बना रहे हो तो अपनी जैसे 5 टीमें बना रहे हो तो 2 टीम के अंदर वेटेज दे देना, लेकिन हाई रिस्क की टीम के अंदर वाइस कैप्टन के तौर पर ऑप्शन में जरूर रखना, क्योंकि अगर चल गया तो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। देन यहाँ पर जॉनी ब्रेस्टो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट्स किस तरीके से चल रही है, लास्ट मैच के अंदर 30 रन, 10 रन, 2 रन, 52 रन, 33 रन, यानी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पे तो ये प्लेयर अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये एक तो प्लेयर हटाई देना है कैप्टन वाइस कैप्टन की लिस्ट से, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो है 36% का। अगर प्लेयर ज्यादा नहीं तो 30-40 रन भी बनाता है तो ड्रीम टीम का प्लेयर ये बन सकता है। तो यहाँ पर सिनेरियो 2 दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि मेरा अपना बता रहा हूँ कि सिनेरियो किस तरीके का मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये प्लेयर मेरी टीम के अंदर होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि हाई लेवल पे विकेट्स गिर सकते हैं तो मौका मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर पहले इंग्लैंड की टीम बैटिंग करेगी उस केस में प्रेस्टो को मैं अपनी टीम के अंदर शामिल नहीं करूंगा, ठीक है, किसी भी टीम के अंदर नहीं करूंगा, इसको सीधा स्किप मारने वाला हूं। तो यहां पर इस लॉजिक को समझने का ट्राई करना, ठीक है, कि आपको किसको वेटेज देना और किसको स्किप करना है। देन यहां पर नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जॉय रूट, ठीक है। तो रूट की यहां पर मैं बात करूं तो 60% का सिलेक्शन रेशियो है। यहां पर आप देख सकते हो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ये नहीं कर रहा है, ठीक है, और 82 और 77% का इसका वो भी दिख रहा है आपको कि इसने रन बना रखे हैं, ठीक है, मतलब 88 और 77 लास्ट मैचेस के अंदर, मतलब कुछ पुराने मैचेस की बात कर रहा हूं
में। तो यहां पर आप देखो कि लास्ट जो तीन वर्ल्ड कप के मैच है उसके अंदर इसने कुछ अच्छा नहीं किया है, यानी कि एसएल के अंदर तो यार इसके ऊपर रिस्क लेने का मतलब नहीं है। अगर हाई रिस्क की टीम बना रहे हो, ठीक है, यानी कि अगर आप 20 टीमें बना रहे हो तो इसके ऊपर भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर आप कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि पुराने मैचेस की अगर बात करें तो आप जानते हो आईपीएल वगैरह में जो रूट कैसा खेलता था, एक नंबर दबा के मतलब, ठीक है ना। तो इसे आपसे कैप्टन वाइस कैप्टन हाई रिस्क की टीमों के अंदर बनाना डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है। मैं ज्यादा टीमों का रिकमेंडेशन इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर पैसे कमाने का मौका है। मैं खुद यहां पर 20 टीमों के साथ में जाने वाला हूं, तो आपको भी रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि जो 20 टीमें बनती हैं उनके एक्चुअल पीछे का कांसेप्ट क्या होता है, एक्चुअल में आप किस तरीके से उन 20 टीमों को वेटेज देने वाले हो और किस तरीके से 20 टीमें आप सेलेक्ट करोगे, तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। आप सारी टीमें सेम बना दोगे तो कभी भी आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। आपने कभी नोटिस किया होगा, एक चीज ये भी सुनना कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जो 20 टीमें बनाते हो ना, जैसे आपकी पहली टीम के पॉइंट आए हैं फॉर एग्जांपल 880, ठीक है, आपकी टीम वन क्या है, टीम टू के आपके स्कोर आते हैं 836, टीम थ्री के आपके स्कोर आते हैं 930, ठीक है, चौथी टीम के आपके स्कोर होते हैं 735, 75 या 35, पांचवी टीम के स्कोर आपके 735, ठीक है, और 20 टीमों के स्कोर यही चलते हैं, ठीक है, यही चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्रैंड लीग विनर होता है उसके यहाँ पर जो टीम होती है एक टीम का स्कोर दिखाता है 1200 या फिर 1236, ठीक है। आप सोचते हो यार मेरी जो 930 वाली टीम है ये 1236 से कैसे कंपेयर करेगी, मैं तो कभी ग्रैंड लीग जीत नहीं सकता हूं ना, उसके पीछे का रीजन बताने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पर आप उस ग्रैंड लीग विनर की अगर आप छोटी टीम मतलब और अदर 20 टीम, उसने भी 20 टीमें लगाई होगी, उसने अगर 20 टीमों की बात करो तो उसकी ऐसी भी टीम होगी जिसके अंदर उसका 536 फिर 436 पॉइंट होगा। आप देख पा रहे हो ना वेरिएशन, देखो कि 400 से लेकर 1200 तक के सारे पॉइंटों वाली उसके पास टीम थी और आपका तो एक एवरेज चल रहा है। इसके में आपकी सारी टीमों के पॉइंट्स एक जैसे होते हैं, क्यों, क्योंकि आप सेम सेम टीमें बनाते हो कि आपकी जो टीम वन थी, क्योंकि आपने एक माइंडसेट से टीम बनाई, एक लॉजिक आपने अपने दिमाग के अंदर रखा कि मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर ये लॉजिक काम कर सकता है, और वही लॉजिक सोच के आपने एक टीम को बना दिया, ठीक है। अब उसी लॉजिक, क्योंकि आपका दिमाग था, आपने एक लॉजिक सोचा, अब वही लॉजिक से आप दूसरी टीम बना रहे हो, तीसरी टीम बना रहे हो, चौथी टीम बना रहे हो, पांचवी टीम बना रहे हो, 20 टीमें बना रहे हो। अब उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करो जिसकी वजह से कोई टीम 880 ला रही है, कोई 775 ला रही है, कोई 930 ला रही है, और अगर आपका लॉजिक काम ही नहीं किया उस मैच के अंदर तो सारी टीमें जो है आपके 600 के आसपास पॉइंट में घूमती रह जाती है। या तो आपके पैसे रिफंड होते हैं, मतलब जो आपने 49 लगाए वो आपको वापस मिल जाते हैं, या किसी किसी मैच के अंदर वो भी नहीं मिलते हैं। तो बस यही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि आप रिस्क लेना प्रीफर नहीं करते हो और सेफ साइड चॉइस भी नहीं रखते हो। अब यहाँ पर जो टीम बनाओ उस टीम के अंदर आपको ये रखना है कि आपको कुछ ऐसे तरीके सोचने हैं प्लेयर के ऊपर वेटेज देके कि भाई ये प्लेयर चल गया तो बहुत अच्छा चल जाएगा, नहीं चला तो फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं, हमने जीते भी। अगर फॉर एग्जाम्पल 20 टीमें ज्वाइन की, अगर 5 टीमों के पैसे वापस नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बची हुई जो 15 टीमें हैं उसमें से 10 टीमों में पैसे रिफंड आ जाएंगे और बाकी की 5 टीमें बहुत ज्यादा पैसे दे देगी, तो एंड ऑफ देन हम प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं ग्रैंड लीग के अंदर। तो इस लॉजिक से यहां पर आपको टीम बनानी है कि हर प्लेयर को एकदम ध्यान से समझना है, हर प्लेयर पे आपको वेटेज देना है, जिससे यहां पर आप अपने जीतने के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ाओगे और आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी काफी अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो यहां पर बस आपको सोचना है, जैसे मैंने आपको बताया जॉय रूट का रोटेशन 60% का है, प्लेयर लगातार फ्लॉप है, यानी कि एसएल स्मॉल लीग के अंदर हम इसको वेटेज नहीं देंगे, ग्रैंड लीग की रिस्की टीम के अंदर एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर इसको वेटेज देने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया। ये सारी बातें कोई भी करेगा, परफेक्ट पे ही होगी। तो यहां तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके बताओ कि यहां पर आपको मेरा ये लॉजिक किस तरीके का लग रहा है। आप कमेंट में बस यही लिख लो कि भाई आपकी ये लॉजिक बहुत सही है, या फिर अपने लॉजिक बता सकते हो कि लॉजिक यू लिख लेना लॉजिक, उसके बाद में कमेंट अब बता देना कि आपको क्या लगता है कि ग्रैंड लीग बनाने के लिए क्या लॉजिक यहां पर यूज करना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट और भी लोग पढ़ेंगे, मैं खुद भी पढ़ूंगा और सभी को फायदा होगा, और क्योंकि परफेक्ट पूरी एक फैमिली साथ मिलकर खेलेंगे और विन करेंगे। यहां तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब यहां तक बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, तो बेन स्टोक्स, ठीक है। बेन स्टोक्स की यहां पर बात करें तो यहां पर देखो 182 का यहां पर दिखा रहा है इसका, इसके पॉइंट्स काफी तकड़ी दिखा रहा है, लास्ट मैचेस के अंदर भी 43 रन थी, यानी ड्रीम टीम का प्लेयर है। इस हिसाब से बात करें सिलेक्शन रेशियो जो दिखा रहा है, ठीक है, वो यहां पर है 35% का, कितना सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 35% का है। अगर 35% का सिलेक्शन रेशियो है तो स्मॉल लीग के अंदर तो हम इसको वेटेज देने वाले हैं, क्योंकि जो हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे स्मॉल लीग के अंदर वो बेन स्टोक्स पे भी लेने वाले हैं हम, ठीक है। और साथ में हम क्या करेंगे, ग्रैंड लीग की टीम अगर हम बना रहे, ठीक है, ग्रैंड लीग की टीम के अंदर एक रिस्की टीम बनाएंगे जिसके अंदर इसको एज अ कैप्टन के तौर पे भी वेटेज देंगे। प्लेयर फ्लॉप हो गया तो कोई बात नहीं, पैसे वापस नहीं चाहिए हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे तगड़े होने चाहिए। 20 टीमें यहाँ पर हम लगाने चाहिए तो उसमें से हमारी एक टीम तो टॉप 1000 के अंदर रैंक लानी ही चाहिए, क्योंकि 1000 के अंदर भी हमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 1000 रुपये के आसपास भी मिल जाते हैं, तो बाकी टीमों का एंड ऑफ द प्रॉफिट में वैसे ही चले गए। बस थोड़ा सा लॉजिक काम किया, सीखे, सबसे मेन चीज़ है कि सीखे, आने वाले वर्ल्ड कप के मैच के अंदर ग्रैंड लीग साथ में जीत भी सकते हैं, बस ये लॉजिक यहाँ पर आपको समझ है, तो ही यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।
तो कुल मिलाकर आप समझ चुके हो कि इस प्लेयर के साथ में क्या करना है, क्योंकि प्लेयर यहाँ पर काफी अच्छा कर रहा है और कॉम्बिनेशन काफी तगड़े इसके बनेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर अगले प्लेयर की बात करें इंग्लैंड की टीम से, तो यहाँ पर है अपना जोस बटलर, ठीक है। जोस बटलर की बात करें तो जोस बटलर का यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, तो बहुत एवरेज चल रही है इस, पता नहीं इस वर्ल्ड कप के अंदर जोस बटलर नहीं चल पा रहा है, सिलेक्शन रेशियो इसका 50% के आसपास का है। तो यहाँ पर आपके साथ आपको जोस बटलर के साथ में क्या करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो स्मॉल लीग टीम के अंदर इसको स्किप करेंगे, क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट की वजह से ये प्लेयर मेरी टीम के अंदर नहीं होगा। अब जीएल के अंदर मुझे ग्रैंड लीग जीतनी है, तो जोस बटलर को दो रिस्की टीम के अंदर मैं एज ए कैप्टन और एज ए वाइस कैप्टन के तौर पर प्रीफर करने वाला हूं। देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन की मैं यहाँ टीमें बना रहा हूं, जितने भी कॉम्बिनेशन है सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप ट्राई करोगे, ठीक है, और इस सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देंगे। तो यहां पर आपको ये कॉम्बिनेशन का यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रैंड लीग की टीम है, दो टीमें यहां पर आप बनाओगे, एक में कैप्टन और एक में वाइस कैप्टन रखोगे, क्योंकि हाई रिस्क की टीम के हिसाब से होगा। इंडिया की टीम के मैं आपको आगे पहले ही बता चुका हूं कि किस किस को आपको वेटेज देना, वीडियो में आके और बता दूंगा। अभी 20 टीमों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, तो यहां पर स्मॉल लीग के अंदर नहीं रखेंगे और ग्रैंड लीग की सेफ टीम के अंदर भी इस प्लेयर को स्किप करेंगे। ग्रैंड लीग की अगर दो टीमें बना रहे हो आप सिर्फ, तो एक के अंदर रखना, एक के अंदर स्किप कर देना, ठीक है। और बाकी यहां पर मैंने आपको ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से बता दिया कि अगर 20 टीमों के साथ में जाना चाहो तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से जा सकते हो मैक्सिमम बेनिफिट और प्रॉफिट के लिए। देन यहां पर नेक्स्ट प्लेयर की बात करें लिविंगस्टोन, देखो लिविंगस्टोन का जो सिलेक्शन रेशियो है वो सिर्फ 16% का, रीजन बहुत सिंपल है कि लास्ट मैचेस में कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं रहा है, ठीक है। तो यानी कि सीधा सा है, मैं अपनी स्मॉल लीग टीम के अंदर इसको नहीं वेटेज दूंगा, मैं ज्यादा आप नोटिस करो कि स्मॉल लीग की टीम के अंदर थोड़ा सा ही रिस्क लूंगा और ऑटोमेटिकली मैं क्लीन स्वैप कर लूंगा। तो देखो अपने को टीम बनानी है तो टीम का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। तो यहां तक आप चीजें समझ चुके हो कि दोनों ही प्लेयर को आप यहां पर स्किप कर सकते हो, या फिर जोस बटलर को एज ए रिस्क प्लेयर के तौर पर वेटेज दे सकते हो, वाइस कैप्टन के तौर पर भी अपनी ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से जैसा मैंने बताया। अब नेक्स्ट प्लेयर की यहां पर बात करें तो मोइन अली, ठीक है, मोइन अली के साथ में एक और प्लेयर है अपने वॉक्स, ठीक है। इन दोनों प्लेयरों का एक चीज नोटिस करना कि मोइन अली का सिलेक्शन रेशियो 16% का और यहां पर वॉक्स का जो सिलेक्शन रेशियो वो है 8% का, यानी कि ये चीज दिखा रहा है कि दोनों के दोनों प्लेयर अपनी टीम में लेना कोई सेंस नहीं है। अगर दोनों की पुरानी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां पर आपको 2 विकेट दिख रहे होंगे, यहां पर 4 विकेट दिख रहे होंगे, और ये इंडिया के सामने दोनों प्लेयर तो मुझे नहीं लग रख रहा है कि चलेंगे। तो दोनों ही प्लेयर को यहां पर मैं स्किप करना ज्यादा प्रीफर करूंगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों के दोनों प्लेयर में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमों के अंदर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों टीम प्लेयर वो नहीं अपने फॉर्म में नहीं, और सामने इंडिया की टीम है, तो इंडिया की टीम कोई मतलब ऐसा नाजुक टीम में समझो, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसके विकेट लेना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि भाई हर प्लेयर काफी अच्छा चल रहा है। तो उस केस के अंदर हम दोनों प्लेयर पर कोई वेटेज नहीं देंगे, इनकी जगह पे बॉलर्स अगर और देखें यहां पर हम, तो उन्हीं को भी समझ लेते कि वो किस तरीके से, तो जैसा डेविड, ठीक है, डेविड के साथ में अपना एदिल रासिद, तो इन दोनों की अगर बात करूं तो यहां पर आप थोड़ी सी होप रख सकते हो एज अ सिलेक्शन के लिए। रीजन बहुत सिंपल है, अगर यहां पर डेविड की बात करूं तो देखो यहां पर 2 विकेट लिए हैं, इससे पहले वाले मैच में भी विकेट नहीं लिया, इससे पहले 2 विकेट, इससे पहले 3 विकेट, और थोड़े बहुत रन भी बनाए हैं जो कि कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर दिखाती है कि एसएल के अंदर आप इस प्लेयर को वेटेज दे सकते हो, साथ में आप जीएल में भी आप वेटेज दे सकते हो, ठीक है। हाई रिस्क टीम के अंदर ये प्लेयर स्किप होगा, क्योंकि यहां पर अपन सेफ टीम जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे इस प्लेयर के साथ में। देन अगर बात करें आदिल रशीद की, तो यार ये प्लेयर लास्ट मैच में विकेट नहीं लेते, लेकिन इससे पहले वाले मैच में लगातार विकेट ले रहा है। तो यार स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो स्मॉल लीग के अंदर मैं पर्सनली डेविड के सामने जाना प्रीफर करूंगा, आदिल रशीद को मैं इतना रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, दो टीमें हैं, तो एक एक दोनों के अंदर मैं वेटेज दे दूंगा, दोनों को साथ में नहीं रखूंगा, या तो ये प्लेयर रखो या तो ये प्लेयर रखो, ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन रखना। देन आखिरी प्लेयर की यहां पर बात करें जो कि हमारा है मार्क वुड, ठीक है। तो मार्क वुड की यहां पर अगर देखें लास्ट मैच में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती, इससे पहले 43 रन की पारी खेली थी, इससे पहले 2 विकेट 1 विकेट, यानी कि ये जो प्लेयर है बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर है। अब मार्क वुड के साथ में आप क्या करोगे कि जो स्मॉल लीग है, ठीक है, स्मॉल लीग के अंदर हम शामिल नहीं करेंगे, ग्रैंड लीग की अगर आप 3 टीमें बना रहे हो तो 3 टीमों में यहां पर एक टीम के अंदर वेटेज दे सकते हो, बाकी आप वेटेज मत देना, ठीक है। मार्क वुड का इतना कुछ सेंस नहीं, इंग्लैंड की टीम अभी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रही अपने मैचेस में, तो यहाँ पर टोटली मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इन प्लेयर को जैसा मैंने बताया उस हिसाब से यहाँ पर आप वेटेज दो के एक बार कुछ लास्ट मैच की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं स्टेडियम के ऊपर, और देन यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें जो भी बताई है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपनी टीम कौन सी बनाई है उस पर हम आते हैं, ठीक है। तो आज का यहाँ पर गिव अवे क्वेश्चन पूछता हूँ, आज का मेरा यहाँ पर गिव अवे का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, बस ये बताओ। मेरा पर्सनली सपोर्ट यहाँ पर इंडिया की टीम को है, ठीक है,
यहाँ पर मेरा प्रश्न सपोर्ट इंडिया की टीम को, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके बताओ। आज का गिव अवे का क्वेश्चन इस वीडियो से, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ 5 विनर जिन्हें अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन यहाँ पर विनर बन पाता है, वीडियो पूरी देखना, अभी अपन टीम भी समझेंगे। आज का गिव अवे का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो या फिर पूरा कमेंट आप इंडिया से भर दो, ठीक है। ज्यादा यहाँ पर जीतने के चांसेस होंगे, आप अपने दोस्तों को साथ में भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो हो सकता है कि उनका कमेंट भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाए, ठीक है। उनको भी बोल देना कि वीडियो पूरी देखनी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अपने दूसरे आइडियो से भी चला लो, सब आइडियो से कमेंट कर लो ताकि आपके जीतने के चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर पिच की, अब देखो पिच के अंदर मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से सीनियर रहेगा। यहाँ पर आप सरफेस को देख ही सकते हो, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि स्पिनर को एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलेगा। और यहां पर एक बैलेंस पिच भी यहां पर बन रही है, मतलब अभी हम लास्ट के अगर वर्ल्ड कप के कुछ मैच देखें, ये हमारा जो स्टेडियम है यहां पर लखनऊ का, तो लखनऊ का जो स्टेडियम है नॉर्मली ऐसा परफॉर्म नहीं करता, यहाँ पर बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेज मिलता है स्पिनर को। लेकिन लास्ट के मैचेस हमने देखे हैं, वहां पर हमने जिस नोटिस किया कि फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों अच्छा कर रहे हैं, साथ में बैट्समैन भी अच्छे खासे रन बना रहे हैं। तो एक तरीके से ये वर्ल्ड कप के अंदर एक बैलेंस पिच बनती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर वो डिटेल्स में देखना हो इस पिच को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो स्कोरिंग पैटर्न देखते हैं लास्ट के 7 मैच का, जो लास्ट के 7 मैच खेले गए हैं वो यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न क्या था, 200 से कम रन यहाँ पर 2 बार बने हैं, 200 से 250 रन यहाँ पर 3 बार बने हैं, 250 से 300 रन यहाँ पर 1 बार बना और 300 से ज्यादा रन यहाँ पर 1 बार परफॉर्म हुआ है, ठीक है। इस मैच को स्कोरिंग पैटर्न को देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 235 से 260 के आसपास के यहाँ पर रन बन सकता है। देन यहाँ पर फर्स्ट जिन्होंने बैटिंग की उन्होंने यहां पर 3 मैच विन किए थे 7 में से, और जिन्होंने सेकंड बैटिंग की उन्होंने यहां पर 4 मैच विन किए, टाई यहां पर एक भी मैच नहीं हुआ है, ओडीआई के मैच बहुत कम टाई होते हैं। हाई स्कोर भी देख लेते हैं कि कहां तक यहां पर स्कोर बने हुए हैं, वो यहां पर है 311 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लोवे स्कोर को अगर मैं बात करूं तो वो है यहां पर 149 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो ऑल ओवर यहां पर आप चीजें समझ सकते हो। अब यहां पर हम देखें कि यहाँ पर जो पुराने मैच खेले गए हैं वो किस तरीके के थे, तो वो भी यहाँ पर आप देखना कि अगर यहाँ पर बात करूँ कुछ पुराने मैच की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो नीदरलैंड का मैच हुआ था वहाँ पर 262 पे टीम ऑल आउट हो गई और श्रीलंका ने इस टीम को इजीली चेस कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर फास्ट बॉलर ने 5 विकेट लिए थे, स्पिनर ने 5 विकेट लिए थे, यानी कि बराबर विकेट लिए थे। चलो इससे पहले वाला मैच भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो श्रीलंका 209 पे ऑल आउट है, ऑस्ट्रेलिया ने इस रन को इजीली चेस कर लिया था। यहाँ पर अगर विकेट की बात करूँ तो पेशर ने विकेट लिए हैं 7, स्पिनर ने लिए हैं 6, लगभग बराबर है ना। इससे पहले भी देख लो साउथ अफ्रीका 311 रन का टारगेट है, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर 117 रन पे ऑल आउट हो गई। यहां पर 6 विकेट लिए हैं पेशर ने और साथ में 5 विकेट लिए हैं स्पिनर ने, ठीक है। जबकि स्पिनर का पीछे लेकिन हल्का सा एडवांटेज पेशर को यहां पर मिल रहा है। यहां पर साउथ अफ्रीका का इससे पहले वाला विकेट रन देखे तो 250 रन के आसपास का आपको दिख रहा होगा 249, और इंडिया ने इस रन को चेस करने का ट्राई किया लेकिन वो बारिश का फैक्टर यहाँ पर था जिसकी वजह से टीम ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने मैच विन किया था। और यहाँ पर पेशर ने जो विकेट लिए थे 8 लिए और स्पिनर ने सिर्फ 4 विकेट लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टोटल विकेट्स देखें तो यहाँ पर पेशर यानी कि फास्ट बॉलर ने 26 विकेट लिए हैं और टोटल विकेट्स अगर स्पिनर की बात करूँ तो वो यहाँ पर 20 विकेट लिए हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दोनों में से टीमों में से आपको एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर किसको प्रीफर करना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे लिए सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन कौन सा रहने वाला है और रिस्की का कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहले रिस्की की बात करूं तो हमारा पहला है जॉनी ब्रेस्टो, दूसरा है शुभमन गिल, तीसरा है लिविंगस्टोन और चौथा है हमारे पास मोहम्मद सामी, ठीक है। तो यहां पर ये एज अ 4 रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो पहला है विराट कोहली, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है डेविड मलान और चौथा है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो ये एक सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो गए। इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन अगर आप इस टीम में बनाते हो तो वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि किस प्लेयर पे आपको वेटेज देना और किस प्लेयर को आपको स्किप करना है, ठीक है। देन यहाँ पर ट्रम्प कार्ड प्लेयर की बात करें तो जॉनी ब्रेस्टो है, सुरेश अय्यर है, लिविंगस्टोन है, मोहम्मद सिराज है और मार्क वुड है, ठीक है। ये जो आपको 5 प्लेयर दिखा रहे हैं ये ऐसे 5 प्लेयर है जो गेम को बदलने की पावर रखते हैं। अगर ये प्लेयर चल गए तो डेफिनेटली इन पे आप वेटेज दे सकते हो। तो इनमें से आपको 2 से 3 प्लेयर हर ग्रैंड लीग के अंदर टीम के अंदर रखना है, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको रखना है। अब फिक्स प्लेयर और कॉमन प्लेयर और साथ में जीएल के रोटेटिंग प्लेयर की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप समझो, सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे जीएल के रोटेटिंग प्लेयर। तो जीएल के रोटेटिंग प्लेयर के तौर पर 7 प्लेयर आपको सजेशन दे रहा हूँ, जोस बटलर, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, मोइन अली, मोहम्मद सिराज,
देन यहाँ पर मार्क वुड और यहाँ पर क्रिस वॉक्स, ठीक है। तो ये ऐसे 7 प्लेयर है जो कि जीएल के रोटेटिंग प्लेयर है, यानी कि अगर आप 20 टीमें बना रहे हो तो 20 टीमों के अंदर अलग 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 कॉम्बिनेशन के साथ में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली ये वो सारे प्लेयर होने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज अ फिक्स और कॉमन प्लेयर जिसके ऊपर हर कोई यहाँ पर प्रेफर देना चाहेगा और जो अच्छा भी खेलेंगे, जैसे कि केएल राहुल है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जॉय रूट है, रविंद्र जडेजा है और जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। तो ये ऐसे 6 प्लेयर है जो कि स्मॉल लीग के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनते हैं, यानी कि एसएल में इनको आप वेटेज दे सकते हो और ग्रैंड लीग के अंदर भी चाहो तो वेटेज दे सकते हो ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर, सेफ ऑप्शन के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो 6 प्लेयर हो गए। अब हमारी टीम भी समझ लेते हैं कि जो हमने टीम बनाई है वो हमने यहाँ पर किस तरीके से बनाई है। अब यहाँ पर टीम को ध्यान से देखो, लेकिन उससे पहले अगर आपने MyElevenसर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐप को डाउनलोड कर देना और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए मिले रैंक 1 वाले को, ठीक है। तो 1 रुपए में वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको कहना है डाउनलोड करने के 1 घंटे के अंदर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले टीम को समझ लो, उसके बाद में ऐप को डाउनलोड करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर देना सेम टीम से, ये जो टीम है यही लगा देना वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूँ विकेट कीपर की, देन यहाँ पर बैट्समैन की बात करूँ तो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा हाथ में विराट कोहली है, शुभम गिल है, बेन स्टोक्स और जॉय रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर इंडिया की टीम के बैट्समैन और 2 यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के मैंने बैट्समैन को वेटेज दे रखा है। ऑलराउंडर से समझोगे तो अपने पास जडेजा है और साथ में अपने पास वेली भी है, ठीक है। यहाँ पर बॉलर्स की बात करूँ तो 3 बॉलर्स के साथ में जा रहा हूँ, शमी, बुमराह और यादव, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब प्लेयरों के साथ में मैं वेटेज देने वाला हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस आप देख सकते हो, कुछ दिखेगा इस, ये मेरी अभी तक की फाइनल टीम है। इस टीम में कोई भी चेंजेस हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दूंगा कि भाई इस टीम के अंदर ये चेंजेस मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो देखो विराट कोहली को एज अ कैप्टन बना रखा है और रोहित शर्मा को एज अ वाइस कैप्टन बना रखा है स्मॉल लीग की टीम के हिसाब से, ठीक है। तो बस ये आपको टीम क्या करना है कि इस टीम को आप वहां पर जाके लगा देना, बस सिंपल सा आपको यही लॉजिक लगाना है कि जो टीम दिखाई है MyElevenसर्कल में जाके अभी लगा दो, ठीक है। और साथ में मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। वीडियो के आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है तो जिम्मेदारी से खेलें।